और यहाँ एम्बुलेंस का हर हाल में ज़रूरत है। हम दूर दराज में, हमारे यहाँ से सिवान जो 15 किलोमीटर की दूरी में है। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज़। स्वागत है आपका SEO न्यूज़ में, और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। अभी मैं बात करूँगा हथगाई पंचायत के एक युवा मुखिया प्रत्याशी से, चंदू बाबू के नाम से। चंदू बाबू लोग कहते हैं इनका, और क्षेत्र में पहले भी चुनाव ये लड़ चुके हैं, ये दूसरी बार, और ये दूसरी बार चुनावी मैदान में आए हैं। हम इनका विज़न जानने की कोशिश करेंगे, इनका चुनावी एजेंडा क्या होगा और चुनाव किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हम तमाम बातों पे प्रकाश डालेंगे और जनता के बीच तो हम जा रहे हैं, जनता के बीच मुखिया जी का जो विकास है हम जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब इनसे भी जानेंगे हम क्या इनका विज़न है। चलिए, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पिछले बार भी चुनाव लड़े आप? जी हम। और इस बार भी चुनाव लड़े हैं? जी। पिछले बार कितना वोटों से आप पीछे थे? हम तो पिछले बार बहुत कम ही वोट आया था। ठीक है, इस बार हम 5 साल लगातार जनता के बीच में रहे हैं, घर घर जाकर सेवा किए हैं, और रात हो या दिन हो कभी भी किसी को हमारी ज़रूरत हुआ हम जाके खड़े हुए हैं उनके साथ में। आपके एरिया में गरीब गुरबा लड़कियों का शादी होता है तो क्या आप उसमें बने रहते हैं? जी हम बने रहते हैं, अपने तन धन मन से भी बने रहते हैं। जी अच्छा, एक बार मुखिया बनने से पहले आपने पंचायत में कौन सा कार्य किया है? नेता का मतलब होता है सेवक। जी अभी तो मुखिया प्रतिनिधि हैं आप, लेकिन मुखिया का चुनाव 3 तारीख को होने वाला है, लेकिन फिर भी आप जनता के लिए क्या कुछ किए हैं आप अपने पंचायत? जी जनता के लिए हम वही किए हैं कि बहुत सारे ऐसे जो मामला है जो इस पंचायत में, जैसे विवाद हुआ, सारे विवाद को बस पंचायत के अंदर ही उसका निपटारा हुआ है और निपटारा किए हैं, किसी भी मामला को थाने तक नहीं जाने दिए हैं और यहाँ का मामला यहीं निपटाए हुए हैं। एक और सवाल, यह अहम भूमिका हर पंचायत में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, वर्तमान मुखिया हो या मुखिया प्रतिनिधि हो, पर कोरोना काल में सर आपकी भूमिका क्या रही है? कोरोना काल में भूमिका हमारी भी रही है, हम भी बहुत सारे गरीब लोगों को मदद किए हैं जिसका हम कोई चर्चा नहीं किए हैं, किसी से बताए नहीं हम किसको मदद किए। हम अपना जो भी योगदान रहा है इस पंचायत में, जो भी गरीब परिवार है उसमें हम अपना योगदान दिए हैं। लेकिन एक बात और है, अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है इस बार, इस पंचायत के आशीर्वाद देती है, तो वो कौन सा कार्य करेंगे जो कि जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होगा? जी यहाँ तो सबसे पहले कि शिक्षा का सुदृढ़ व्यवस्था करना है, और यहाँ एम्बुलेंस का हर हाल में ज़रूरत है। हम दूर दराज में, हमारे यहाँ से सिवान जो 15 किलोमीटर की दूरी में है, आकस्मिक कोई रात में घटना हो जाती है, यहाँ गाड़ी एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं। हम चुनाव जीतने के बाद एक अपने एम्बुलेंस यहाँ तैनात करेंगे जो फ्री सेवा रहेगा हमारे पंचायत के लोगों के लिए, और अच्छे से स्कूल का व्यवस्था करना है और शिक्षा का स्तर ऊंचा से ऊंचा तक बना के रखना होगा। अपने पंचायत में घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के मिजाज आपके प्रति क्या लग रहा है इस बार? जनता के मिजाज खास करके युवा वर्ग में इस बार लहर है कि हम लोग पढ़े लिखे और युवा प्रत्याशी को ही हम अपना मुखिया बनाएंगे और यहाँ का विकास होगा। युवा जितना लोग हैं, क्या युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं? जी इस पंचायत के जितने भी युवा हैं सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं चुनाव जिताने के लिए। 3 तारीख को आगामी चुनाव है और जनता जाएगी जब वोटिंग करने, आपको क्रमांक संख्या कितना पर है आपका और क्या कुछ अपील करेंगे अपने क्षेत्र? जी क्रमांक संख्या 3 पे है, और कलम और दवात, और जनता से हम यही अपील करेंगे कि वो अच्छा शिक्षित पढ़ा लिखा और अपने समय में खड़ा होने वाला ही प्रत्याशी चुने जो उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा हो। कलम दवा चुनाव चिन्ह मिला है जी, क्या उसी कलम दवा से इस पंचायत का भविष्य लिखने जी जा रहे हैं? इसी कलम दवात के माध्यम से इस पंचायत का तकदीर हम और हमारे युवा पीढ़ी मिलकर लिखेगी।
तो चलिए, ये चंदू बाबू थे, इनसे पिछले बार भी मुझे बात हुआ था और फिर मुझे बात हुआ इनसे, काफ़ी अच्छा बात कर रहे हैं कि शिक्षा को स्तर को ऊंचा करना है, चूँकि एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अगर क्षेत्र में बात किया जाए तो। काफ़ी अच्छा बात कर रहे हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, नौजवानों के बीच बने हुए हैं। आगामी 3 तारीख को चुनाव होने हैं और 3 तारीख को देखना ये होगा जनता का मिजाज क्या होता है, चूँकि पिछले बार चुनाव लड़ चुके हैं, 5 साल जनता के बीच रहे, ये खुद बता रहे हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा आखिर नेतृत्व करेंगे या नहीं कर पाएंगे। कलम दवा तो इनका निशान है, क्या उसी कलम दवा से इस क्षेत्र का भविष्य लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, धन्यवाद।